ए दोस्तों यार, आज तो ट्यूशन का टाइम था लेकिन इतनी जोरों शोरों से बारिश होने लग गई। ओए मुन्ना, लगता है लॉस सैंटोस के अंदर मानसून आ चुका है। ए भैया, ये तो बिन मौसम के बारिश हो चुकी है। चलो कोई नहीं। ओए इसका मतलब कि आज तो ट्यूशन की छुट्टी है। ए भैया, कोई छुट्टी वोटी नहीं होगी। ए ट्यूशन तो चालू होगा। ओए क्या बात कर रहे यार, इतनी तगड़ी बारिश हो रही, ट्यूशन कैसे चालू होगा? ओए बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आखिरकार बैठ के? ए भैया, स्टूडेंट लोग यही पढ़ेंगे। ओए क्यों? ए भैया बारिश बंद होगी, मुझे पता चल गया। ओए तुझे कैसे पता? ए भैया, मौसम विभाग वालों ने मुझे कॉल करके बता दिया। ओए क्या मजाक कर रहा है तू, बड़ा VIP है ना, तेरे पास कॉल करेंगे वो लोग। अरे भैया मतलब कि मैंने TV में देखा कि भैया ये बारिश हो सकती है, लेकिन भैया दोपहर तक ये बारिश बंद हो जाएगी। ओए मुझे नहीं लगता मुन्ना बारिश बंद होने वाली है। ए दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हमने पूरा अरेंजमेंट कर दिया, बेंचेस और बुक वगैरह सारी रख दी भैया। ये क्या भैया, बारिश में पूरी बुक अपनी गीली हो गई। ओए अरे मैं तो भूल गया उठाना। ए भैया, मैंने तुम्हें बोला था ना बुक को अंदर रख देना, तुमने बुक को यहीं रख दिया और बुक पूरी गीली हो चुकी है। ए अभी फिलहाल गाइस यहाँ पे बारिश तो काफी तेज हो रही है और हमारे बेंच भी धुल जाएंगे। ओए कपड़ा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ए भैया सही कहा। एक काम करो तुम भैया। ओए बारिश में कोई निकलने वाला नहीं है मुन्ना, सारे अपने घर में होंगे। भैया तो तुम जाओगे उन्हें निकालने के लिए? भैया एक काम करो, तुम बस लेके जाओ। ओए स्कूल बस क्या? हाँ भैया स्कूल बस लेके जाओ। ओए ट्यूशन के बच्चों को लेने के लिए स्कूल बस? अरे भैया और क्या, स्कूल बस से जाओ और सारे के सारे स्टूडेंट को लेकर आओ भैया। जो भी नहीं आएगा उसको भैया पकड़ के लाओ। ओए ठीक है, हम तो लेके आएंगे, ओए सिंचन और मैं जाएंगे। अरे यार बिल्कुल सही कहा यार, वैसे मैं तो बोल रहा भैया ट्यूशन की छुट्टी कर दो ना, बारिश इतनी तेज हो रही है। अरे यार कोई छुट्टी नहीं होगी, तुम दोनों जाओगे कि मेरे से मार खाओगे। ओए मुन्ना देरा बिजली खींची कड़क रही है, ओए बहुत ही तेज कड़क रही है। बाप रे मुझे लगता नहीं कि बारिश बंद होगी। ओए कहीं टॉर्नेडो ना जाए। अरे भैया जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अभी तुम्हें टॉर्नेडो आ रहा है। ओए ठीक है, तुम मान नहीं रहना तो चल ठीक है। सिंचन ऐसा करते हैं, अभी हम सबको लेकर आते हैं। ओए मुझे नहीं लगता कि कोई रेडी होगा आने के लिए, सब अपने घरों में समोसे जलेबी तल रहे होंगे। अरे यार उसे पकौड़े बोलते हैं, बारिश के टाइम पे पकौड़े तल जाते हैं। ओए ठीक है, लेकिन ये हमें तल रहा है, ये मुन्ना हमें तलने में लगा पड़ा है। चल कोई नहीं, ओए सारे के सारे स्टूडेंट को लाना हमारी जिम्मेदारी है। सिंचन आ जाओ। अरे यार चल रहा हूँ यार जल्दी से। अरे यार एक चीज भूल गया। ओए क्या भूल गया? ओए रुक जा। ओए चल फटाफट से। अरे यार मैं छाता लेना भूल गया था। ओए अपने पास छाता कहाँ से आ गया? अरे यार मजाक कर रहा हूँ, कागज का बनाया था वो, लेकिन पहले ही से पिघल गया। ओए मजाक तो बहुत हो गया, लेकिन सबसे पहले किन को लेने चले? अरे यार लिस्ट के हिसाब से ये सारे स्टूडेंट है जिन्हें हमें लेने आना है। अच्छा सबसे पहले इनमें तो नाम लिखा है माइकल का। ओए माइकल के बच्चे को रहने दे, वैसे भी माइकल से मेरी कोई बनती नहीं है। ओए मैं नहीं जाऊंगा माइकल को लेने। अरे यार ठीक है, वैसे माइकल के भैया के पास तो अपनी खुद की गाड़ी होगी। ओए सही कहा, माइकल का घर सबसे पास है, वो उसको आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। अरे यार बिल्कुल सही कहा, चलो ऐसा काम करते हैं, दूर वाले बंदे को लेने चलेंगे। ओए तो दूर वालों का नाम क्या है जल्दी बताओ? अरे यार यहाँ पे लिखा है आयरन मैन, स्पाइडर मैन, हल्क। ओके ओए रुक जा, ठीक है समझ गया किधर जाना है। ओए और उसके बाद कौन है? अरे यार यहाँ पे तो टपलू छपलू भी लिखा है। ओए ठीक है टपलू छपलू हो गए, और कौन है? अरे यार यहाँ पे नोबिता डोरेमोन भी है। ओए ठीक है, मतलब कि हमें इन तीन घरों में जाना है, मतलब इन तीनों बंदों का घर एक ही रोड पे ही तो पड़ता है सिंचन। अरे यार बिल्कुल सही कहा, वो हाईवे वाले रोड पे ही तो सबका घर है। ओए तो सबसे पहले काम करते हैं, अपन सबसे पहले एवेंजर्स के घर पे चलेंगे। अरे यार वो घर नहीं है, वो मेंशन है। अरे हम तो घर ही बोलेंगे ना। ओए ठीक है ना। अरे यार बिल्कुल सही कहा, इतना बड़ा घर नहीं मेंशन होता है। ओए तो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं हम, यहाँ पे ये रहा टोनी स्टार का मेंशन। ओए मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग रेडी होंगे आज ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं चलो देखते हैं क्या है। अरे यार मुझे लगता है सारे के सारे आज तो पार्टी मना रहे होंगे ट्यूशन की छुट्टी होने की वजह से। ओए लेकिन यहाँ पे टीचर जी इससे वो कर सकते हैं, पनिशमेंट देंगे कल जो भी नहीं आया तो। अरे यार बिल्कुल सही कहा, उसको तो बहुत ही ज्यादा डंडे पड़ेंगे। ओए इसीलिए तो काम करते हैं, इनको तो लेकर ही आना पड़ेगा पकड़ के, नहीं तो होगी यहाँ पे डंडा में भी बजा देगा। अरे यार बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी ले ली है, तुमने तो पूरा करना पड़ेगा। चलो यार यहाँ पे गाड़ी को रख दो। ओए रुक जा, गाड़ी तो रोक रहा हूँ मैं। ओए गाड़ी ऐसी जगह रोकूंगा ना। ओए ये यहाँ पे लगाता हूँ मैं। ओए ये लगाया मैंने गाड़ी यहाँ पे। ओए मस्त एकदम, बहुत ही बढ़िया वाला गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। अरे यार गाड़ी को ऐसे लगाना ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो। ओए रुक जा, ये लगाई मैंने, ये देख रहा है ये। अरे रुक जा यार,
अरे यार बस चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अरे यार ये तो मुझे पता है, बस तो बहुत ही बड़ी होती है ना, इसलिए चलाना बहुत मुश्किल होता है। ओए ठीक है रुक जाए, काम करते हैं यहाँ पे। अरे यार रुक जाइए, एवेंजर्स अगर बाहर निकलेंगे तो गीले हो जाएंगे। ओए गाड़ी को इसके छज्जे के एकदम सटा के खड़ी करता हूँ ताकि ये लोग गीले ना हो। ओए हमन अपन लोगों ने तो रेनकोट पहन रखा है ना। अरे हाँ इनविजिबल रेनकोट पहन रखा है ना, कुछ भी। ओए मैंने तो पहन रखा है, ओए ऊपर से पन्नी चिपका ली है मैंने जिससे तुझे दिखेगा नहीं सिंचन। अरे यार बिल्कुल सही कहा, जल्दी से उनको बुला के लेके आओ, रुको मैं भी चलूंगा। ओए तो आजा तू भी आजा सिंचन। वैसे ये लोग कर क्या रहे हो? ओए बड़े गाने वाने की आवाज जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अंदर पार्टी वाड़ी चल रही है। ओए जरा देख के आता हूँ, इनका ट्यूशन का टाइम हो गया और ये लोग पार्टियां कर रहे हैं। ओए सिंचन कहाँ गया? ओए किधर है? अरे यार यहीं पे आ गया मैं। ओके ठीक है। अरे हल तो नाचेगा, आज तो छुट्टी है ट्यूशन की, आज तो टुशी जाना नहीं है, आज तो तुझसे नाचेगा, मस्त वाला डांस करेगा हल। ओए यहाँ पे क्या चल रहा है? ओए तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ओए जल्दी रेडी हो जाओ। अरे यार किस लिए रेडी हो? यहाँ पे मस्त तबले और गिटार बजा के पार्टी मजा रहे क्योंकि आज छुट्टी है, बारिश होने की वजह से। ओए कहीं छुट्टी नहीं है। ओए तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे, आज तो छुट्टी है, क्यों मजाक कर रहे हो जैक? ओए मैं कोई मजाक नहीं कर रहा सिंचन, इन लोगों को बता। अरे यार मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ओए कैसे मानेंगे, देख लो गाना वाना चल रहा है यहाँ पे फुल। ओए बंद कर ले, ओए पापा जी अपना बंद कर ले। अरे यार मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मुझे गाना बजाने दो, अपना फेवरेट सॉन्ग बजा रहा है यहाँ पे। ओए आयरन मैन क्या कर रहा है, ये टोनी स्टार भी तबला बजाने में लगा पड़ा है। ओए क्या अभी बंद करोगे तुम लोग? नहीं बंद करो। अरे यार हमें चिल करने दो, वैसे भी आज तो छुट्टी है, मत इंजॉय करेंगे। ओए कोई छुट्टी नहीं, मेरी बात तुम लोगों को भेजे में नहीं घुस रही क्या? ओए मास्टर जी यहाँ पे हमें पनिशमेंट दे सकते हैं अगर तुम लोगों ने छुट्टी करी तो। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, पनिशमेंट? ये क्या तुमने मेरा गिटार गिरा दिया? ओए मेरी जिम्मेदारी तुम लोगों को ले जाने की, ओए जल्दी से। अरे हल्को भी बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट से डर लगता है। ओए तो तुम लोग रेडी हो जाओ जल्दी से, अपना बैग पैक रेडी करो और निकलना है सीधा ट्यूशन के लिए। अरे यार तुमने तो पूरी पार्टी खराब कर दी यार, सही बताओ ना जैक, यार तुम्हारी शक्ल देख के हमेशा मनुष्य फैलाते रहते हो। ओए मेरी क्या गलती है, मैं तो बस तुम्हें लेने आया, चलो जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाओ। ओए अब यहाँ से निकलना है फटाफट से। ओए जल्दी करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं होना चाहिए, वैसे भी काफी यार टाइम लग रहा है। एक तो बारिश हो रही है और रोड इतना फिसलन भरा है। ओए एक तो संभल संभल के मुझे बस चलानी पड़ती है। अरे यार बिल्कुल सही कहा, जल्दी से इनको गधों को आने दो। ओए गधा बोला सुन लिया ना, मारेंगे भी बहुत बुरा तरह। अरे यार नहीं सुनेंगे, बारिश की आवाज ज्यादा तेज आ रही है, एक काम करते हैं जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ओए ठीक है देखते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे बस तो तगड़ी है ये। ओए बाप रे ये अब बैठ गए इसके अंदर, चलो फटाफट से यहाँ पे अभी निकलते हैं। ओए भैंस की टाट, चलो गड्डी स्टार्ट करते हैं। ओए तुम लोग बैठ गए? अरे हल तो आ चुका है गाड़ी के अंदर, जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। ओए ठीक है अरे बारिश तेज पड़ रही, मैं तो बोल रहा हूँ कि बस पलट जाएगी बारिश में, हल को तो डर लग रहा है, गाड़ी घुमा लो यहाँ से और छुट्टी कर दो। ओए छुट्टी के बहाने इतने चाहिए? ओए कोई छुट्टी नहीं होगी, चलो सीधा ट्यूशन पढ़ने के लिए। बहुत कर लिया तुमने मजे, आए बड़ा मजा करने वाले। ओए ये होगी का ट्यूशन क्लास है जहाँ पे बारिश हो या लावा का तूफान फटे, ट्यूशन बंद नहीं होना चाहिए, क्यों सिंचन? अरे यार बिल्कुल सही कहा, उनको तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या इतनी बारिश में भी ट्यूशन चालू कर दिया है। ओए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अपन को तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी पनिशमेंट मुन्ना हम ही दोनों को दे देता सिंचन। अरे यार ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हम दोनों को फिर अकेले ट्यूशन पढ़ना पड़ता और ये लोग भी नहीं होते तो मजा नहीं आता। अरे इसीलिए तो तुम लोग हमें लेने आ गए क्या? ओए नहीं नहीं यहाँ पे टीचर ने बोला था कि सबको लेकर आओ बस में फटाफट से बैठा के, इसलिए हम आ चुके हैं। ओए चलो यहाँ पे अभी हमें किसको लेना है? अरे यार लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे छपलू टपलू के घर चल रहा है। ओए ठीक है। अरे बाप रे ये क्या, अबे ये क्या कर रहा है? अरे यार ये लोग तो हमारे ऊपर अटैक करे। ओए ये क्या चक्कर है? अरे हल को जाने दो, अभी हल इनकी चटनी बना देगा। ओए हाल के यहाँ पे कोई एक्शन नहीं चाहिए, हम लोग ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं और समझ गया ना। अरे हल को बस मौका दे दो, अभी हल के इनकी चटनी बना देगा। ओए ठीक है तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चुपचाप गड्डी में बैठे रहो। ओए यहाँ पे आ गया उसका बाप रे बाप, इतना बड़ा मेंशन तो टोनी स्टार का भी नहीं जितना बड़ा मेंशन इन लोगों ने खरीद रखा है। अरे यार पता नहीं कहाँ से इतना ज्यादा महंगा घर खरीद लिया लोगों ने। अरे यार क्या करे जैक भैया, इनको लिपटाओ ना जल्दी। ओए रुक जा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अबे मैं निकल के इन लोगों की वाट लगा था फिर ये लोग मानेंगे। अरे बिल्कुल सही कहा, इनकी वाट लगानी पड़ेगी।
ओए रुक जा, मैं जा रहा हूँ अभी। अबे भैंस की टाट ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, अभी छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये ले भाई मुक्का का, और ये तो ये ले भाई, भी रुक बताता हूँ मैं तुझे। ये ले भाई साहब, ये ले पैड पैड, इसकी भी मस्त वाली वाट लगा दूंगा। ओके भाई साहब, ये ले भाई, अभी ऐसे नहीं मानेगा, पूरा ब्लूट प्रूफ जैकेट पहना है। लेकिन तूने मुक्के प्रूफ जैकेट नहीं पहना, यहाँ पे पंच प्रूफ जैकेट कभी नहीं बनती। और यहाँ पे पंच खा भाई, पंच पे पंच खा। अरे यार जल्दी करो यार, क्या टाइम पास कर रहे हो, उन्हें जल्दी मारो गुंडो को। ओए गुंडे मार रहा, मच्छर थोड़ी मार रहा सिंचन, जो इतनी जल्दी मार दूंगा, बढ़ाया बोलने वाला। ओए इतना दम था तो बाहर आ जाता ना, खुद ही मार लेता। अरे यार मैं आता तो डर के माले वैसे ही भाग जाते। ओए कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहा है, आया बड़ा फेंकू चंद कहेगा। अबे एक फुट का तू है नहीं, आया बड़ा बातें बना ले बस तेरे को। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा जब मैं बड़ा होऊंगा। ओए अभी तो टेंगू है ना, तो टेंगू रहे, अभी फालतू नहीं बोलेगा, समझ गया। ओए रुक जा, इनको बुला के लेके आऊं। ये लोग क्या कर रहे हैं आखिरकार, इनके भी पार्टी वार्टी है ना, चल लियो। अरे ये जल्दी करो यार, टाइम नहीं हमारे पास, कहाँ घूम रहे हो। ओए बुलाने जा रहा हूँ, टाइम नहीं है। ओए जरा इनको बुलाया जाए। ओए कहाँ गए तुम लोग, ओए झपलू टपलू आ गए। अरे बाबरे, अरे बाबरे, यहाँ पे मस्त अभी अपन यहाँ पे चाय गरम करके कॉफी पी रहे है क्या भाई, तेरे को भी पीने का क्या, बताओ रे बेड़े। ओए तुम दोनों की बात हो गई खत्म, चलो बैकपैक रेडी करो। वैसे भी ट्यूशन में तुम लोग नए स्टूडेंट हो, इससे पहले तुम लोग ट्यूशन में कभी आए नहीं हो। अरे कैसी बात कर रहे बिड़ू, अभी अपन चले गए। अरे ट्यूशन की तो छुट्टी, अरे बाबा इतनी तकड़ी बारिश हो रही है। ओए कैसी बातें करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, इतने बड़े घर में बारिश कहाँ से होगी। ओए चल जल्दी यहाँ से, मैं बारिश की बूंद भी तुम लोगों के ऊपर गिरने नहीं दूंगा, जल्दी चलो यहाँ से। ओए चल देखते हैं, चलो बैठ गए ना। अरे भेड़िया मैं बैठ गया, जल्दी निकाल भाई। ओए रुक जा रुक जा। अबे यार यहाँ से गाड़ी कैसे घुमाओ, छोटी गाड़ी है तो मुड़ भी जाती। एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से बैक ही लेना पड़ेगा। चलो यार यहाँ पे बैक ही ले लेता हूँ। ओके आराम आराम से मुझे बैक करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, यार यहाँ से बैक करते। एक काम करना यार, मेरी बात तुम लोग सुनोगे। अरे यार बोलो। ओए पीछे देखो, गाड़ी ठुक ना जाए, सिंचन पीछे देख। अरे यार ले लो अभी तो दिख रहा है। अरे खींचो रहा क्या कर रहे हो। ओए दरवाजा तो खुलने दे, दरवाजे को तोड़ दूँ। अरे यार ब्रेक लगाओ, सामने गाड़ी है। ओए गाड़ी को तो ऐसे उड़ा दूंगा। अरे तो फिर किस लिए बोला मुझे देखने के लिए, जब उड़ानी है तो उड़ाते क्यों नहीं। ओए रुक जाओ, मजाक कर रहा हूँ, चल आराम से चलेंगे अभी यहाँ पे। अरे यार लिस्ट के हिसाब से हमें जाना है नोबिता के घर पे। ओए ठीक है, नोबिता का घर भी जस्ट इसी रोड पे आगे है, कोई नहीं अभी नोबिता के घर पे भी पहुँचते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा, जल्दी चलो जल्दी चलो। ओए जल्दी चलो क्या, देख रहा है बारिश से रोड कितना गील हो गया है। ओए गाड़ी यहाँ पे मुड़ रही है, चल कोई नहीं अभी चिल करके लेके चलेंगे। अरे यार तुम गाड़ी आराम से चलाओ। अरे हल्को तो मजा आता है ज्यादा स्पीड चलने में। अरे यार स्पीड में कभी मजा आता है, जल्दी से गाड़ी को स्पीड में चलाओ। ओए कैसी बात कर रहा है, अभी रुक देख गाड़ी को मैं हवा बना दूं क्या। ओए जहाज बना दूं इसको। अरे नहीं नहीं जहाज मत बनाओ यार, कैसी बातें कर रहे हो, ये जहाज थोड़ी बन जाएगा। ओए मैं बस मजाक कर रहा हूँ यार। यार यार तू सेंचर मेरा दिमाग मत खाया कर, एक काम कर तू मुंह बंद करके बैठ जा। चलो यार यहाँ पे फाइनली हमें जाना है। अरे यार रॉकेट बना दो रॉकेट। ओए रॉकेट मैं तुझे बना दूंगा देख ले, अभी फालतू मत बोल, अभी हमें यहाँ पे पहुँचना है, जस्ट थोड़ा सा पहुँच गए। अरे यार सामने रेड लाइट है, रोए रोए ब्रेक लगाओ। ओए ब्रेक नहीं लगती स्कूल बस, कहीं भी ब्रेक नहीं लगती जब लेट होता हो, समझ गए ना। अरे यार बिल्कुल सही कहा, लोग अपनी गाड़ियाँ रोक ले रहे हैं हमारी गाड़ी देख के। ओए स्कूल बस जब चलती है ना तो सामने वाले लोग रुक जाया करते हैं। ओए चलो यहाँ पे डोरेमोन नोबिता को बुला के लाता हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं वैसे भी। अरे जल्दी बुलाओ रे, बातें क्यों कर रहे हो। ओए क्या बोल रहा है तू, फालतू बोलता क्यों है। ओए रुक इनको बुला के लाता हूँ। ओए डोरेमोन नोबिता आ जाओ बाहर आ जाओ। ओए ये क्या, ये लोग तो बाहर खड़े ही नहीं है। ओए नोबिता किधर है, ये लोग मेरी आवाज क्यों सुन रहे हैं। ओए जाकर ही देखना पड़ेगा, लगता है ये लोग भी पार्टी कर रहे हैं, छुट्टी का मना रहे यहाँ पे। ओए नोबिता किधर है तू, नोबिता। अबे नोबिता भाई बोल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे चुपचाप खड़ा है, मैंने देख लिया भाई, तुझे लगा कि तू छुप जाएगा, ट्यूशन जाने से बच जाएगा। अरे नहीं यार वो बात नहीं है यार, यहाँ पे देख रहे हो ना डोरेमोन की तबीयत खराब हो चुकी, बारिश में भीगने के बाद इसको फीवर आ गया। अब डोरेमोन भाई क्या बताऊँ मैं। ओए डोरेमोन चल ठीक है, डोरेमोन यहाँ पे रेस्ट कर रहा है तो तू तो चल ले भाई। अरे यार मुझे डोरेमोन का ख्याल रखना है। अरे नोबिता तुम जा, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, मेरी इतनी भी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। ओए चल नोबिता बहाने बना रहे ताकि तुझे ट्यूशन जाना ना पड़े, चला जा फटाफट से रेडी हो जा। अरे यार वैसे भी तो बारिश पड़ रही है, मुझे लगा क्या छुट्टी होगा। अरे यार ये कैसा सीन है, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या। ओए चल जल्दी, आया बड़ा छुट्टी करने वाला।
ओए पनिशमेंट से बचना है तो चलो जल्दी से। अरे बड़ा नोबिता क्या बहाने बना रहा है, देर बीमार डोरीमोन है और बहाने वो बना रहा है। अरे यार क्या हुआ नोबिता, डोरीमोन भैया घर पे नहीं क्या? ओए घर पे ही अभी आता होगा वो, मेड से चलाकी कर रहा था। अरे बेड़िया क्या बात है नोबिता, अभी तो तू आ गया रे, अभी मजा आएगा। अरे यार ये कौन पीछे बैठा है आप? ओए पीछे बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें नहीं, आखिर का चक्कर क्या है? यहाँ से मैं शीशे में देख नहीं रहा है, ये शीशे को तोड़ना पड़ेगा। अरे यार इसको तोड़ोगे क्यों? ओए ताकि क्लियर नजर आए, वैसे क्रैक हो गया था पूरा का पूरा शीशा। ओए गोली लगने के बाद अभी पूरा क्लियर हो चुका है, देख सिंचन। अरे यार बिल्कुल सही कहा, पहले तो धुंधला दिख रहा था। ओए एक्सीडेंट होने का डर ज्यादा हो जाता है। ओए पता चले मैं किसी में ले आके फेर दूंगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे यार बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसे तो तुम बिल्कुल सेफ चल रहे हो। ओए ये देख रहा, ओए हट जाओ, ओए ओए गाड़ी हटा लो अपनी, आ गया फुल जोशीला हीरो। अरे यार तुम जोशीले हीरो हो, लेकिन संभल के। ओए रुक जा, ये देख कैसे अपन मस्त वाले गाड़ी चलाएंगे। ओए भैंस की टाट, ओए इधर कौन है? ओए नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, और ज्यादा स्पीड में चलाओ। ओए रुक जाओ, ओए ये गाड़ी मैंने तगड़ी कर ली है और यहाँ पे सीधा भगाऊंगा, आए गाड़ी को रोकूंगा नहीं मैं, भगा तो चले जाऊंगा। अरे यार गाड़ी को स्पीड कम करो, अरे यार भिड़ जाओगे। ओए मैं नहीं भिड़ूंगा, मैं देख कैसे उड़ा दूंगा। ओए भैंस की टाट, हट जाओ यहाँ से। अरे यार जल्दी करो, ट्यूशन का टाइम हो गया, लेकिन मुझे लगता है आज तो छुट्टी होने वाली है क्योंकि बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है। ओए बारिश का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अरे यार ये बारिश बंद क्यों नहीं हो रही है? ओए चिंचा तू चाहता कि साफ बारिश बंद हो जाए, पागल है क्या? मैं तो चाह रहा बारिश कभी बंद ही ना हो। ओए मुन्ना बोल देगी फिर वापस से बस को घुमा कर घर ले इन लोगों को दोबारा छोड़ दूँ। अरे यार ऐसा चाहते हो क्या? अरे लिस्ट में कौन नाम है यहाँ पे? अरे यहाँ पे गोस्ट कम्युनिटी से भी किसी का नाम है। ओए किसका नाम है? चल वहीं से गुजर रहे थे, चल जो भी होगा भी आ ही जाएगा वैसे भी। ओए देखते हैं कौन आ रहा गोस्ट कम्युनिटी से ट्यूशन में। क्रैनी को भी पढ़ना है ट्यूशन और बनना है नंबर वन, और मैं ग्रैंडपा को हराऊंगी। ओए ये क्या, ये तो ग्रैनी है। ओए ग्रैनी बातें कम, काम ज्यादा, जल्दी गड्डी पे चढ़ जा। ओए बकवास कर रही बाहर खड़ी होके। अरे इतने सारे लोग कैसे है के? मुझे लगा बारिश होगी तो कम लोग आएंगे। ओए मैं सारे लोगों को लेकर जो आ चुका हूँ, इसलिए सारे लोग आ चुके हैं साथ में। ओए चलो फटाफट से चलते अभी। अरे सही कहा, आज तो मैं सीखूंगी और ग्रैंडपा से ज्यादा अच्छा सीख जाऊंगी। ओए ठीक है ठीक है। अरे यार ये क्या कर रहे हो ग्रैनी, थोड़ा उधर हो, मुझे जगह चाहिए बैठने की। ओए एडजस्ट करके बैठो, आज तो पूरी बस फुल हो गई है, कोई टेंशन नहीं। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले। ओए मुझे लगता है कि बारिश बंद होने वाली सिंचन, क्योंकि यहाँ पे धूप सी कुछ नजर आ रही है। अरे हाँ यार बादल तो खसक रहे हैं। अरे नहीं बादल बच जा, इधर ही बारिश करते रहे। ओए बादल लग रहा है चले जाने वाले। ओए ऐसा कैसे हो सकता है? ओए बारिश बंद हो रही यार सिंचन। अरे यार बिल्कुल सही कहा, अरे सारे के सारे लोग प्रे करो कि बारिश अब ऐसी होती रहे और ट्यूशन की छुट्टी पड़ जाए। ओए सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बादल हट रहे सिंचन। अरे बादल हट गए। फाइनली गाइस सर, काफी देर बाद यहाँ पे बादल बारिश वाले हट चुके हैं और यहाँ पे मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया। और गाइस मैंने दोबारा से बुक्स को अपने यहाँ पे टेबल पे रख दिया है और हर चीजें यार साफ करने की जरूरत नहीं, बारिश से धुल चुकी है। और भैया को भी काफी टाइम हो चुका है, दोपहर का भी टाइम हो गया, आई थिंक भैया बस आने वाले होंगे टाइम के हिसाब से। ओके गाइस अब यहाँ पे वेट करते हैं, भैया जस्ट आने वाले होंगे। दोस्तों यहाँ पे ट्यूशन का टाइम हो गया। ओए सिंचन ये क्या हो गया? अरे यार यहाँ पे तो बारिश बंद हो गई, अब तो हमें ट्यूशन जाना पड़ेगा। ओए क्या करे यार सिंचन, अब तो ट्यूशन में जाने पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे टीचर जी पनिशमेंट दे सकते हैं। अरे यार बिल्कुल सही कहा, मुझे तो पनिशमेंट से डर लगता है, पनिशमेंट में तो मुर्गा बनना पड़ता है। ओए सही कहा, बस अंडा ही देना बाकी रहता है, लेकिन पूरा मुर्गे की तरह आवाज भी निकालनी पड़ती है। अरे यार बिल्कुल सही कहा। अरे हल तो अंडा खा जाएगा मुर्गे का, और मुर्गे का भी खा जाएगा। ओए इसको देखो, जब देखो खाने की पड़ी रहती है। ओए आ गए फाइनली हम लोग अपने यहाँ पे ट्यूशन क्लास के ले आ चुके हैं। चलो फटाफट से सारे स्टूडेंट लोग खाली कर दो बस को, नीचे बैठ जाओ। ए भैया इतना टाइम कैसे लग गया? ओए मुन्ना क्योंकि मेरे पास रॉकेट नहीं थे ना, इसलिए टाइम लग गया। ए भैया मैं तुम्हारा टीचर हूँ, समझ गए ना? ओए ठीक है टीचर जी। मैं आ चुकी हूँ, गुड मॉर्निंग सर।
ओए गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा, गुड आफ्टरनून हो रहा है गधी कहेगी। अरे वही गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले मैं आई हूँ तो मैं सबसे आगे नहीं बैठूंगी, लेकिन ये वाली बेंच पे बैठ जाती हूँ। चलो मैंने अपनी जगह ले ली। ओए जल्दी से खाली करो यार मुन्ना, सारे ट्यूचर स्टूडेंट लोग बैठ चुके हैं। ए भैया सही कहा। ओए मुन्ना मुझे तुझे कुछ कहना है। ए भैया क्या कहना है? ओए यार एक स्टूडेंट है मुन्ना, उसको भी पढ़ना है। ए भैया तो उसका नाम तुमने लिखवा है क्यों नहीं? ओए मैं तेरे से बस पूछना चाहता था। ए भैया क्यों? ओए मुन्ना तू स्टूडेंट को जानता है यार। ए भैया कौन है, किसका नाम तुमने पढ़वाना यार? ओए वो आना चाहती है। ए भैया कौन? मैं हूँ कमला। लेकिन मैंने बुरे काम करना छोड़ दिए हैं। अरे बाप रे भैया, ये कमला का तुम्हें नाम लिखवाया? ओए मुन्ना आ यहाँ पे, कमला ने फीस भी दे दी, अब क्या कर सकता है। ए भैया कमला की फीस वापस कर दो। अरे नहीं नहीं, मैंने बुरे काम करना छोड़ दिए हैं, मुझे भी ट्यूशन पढ़ना है और पढ़ना लिखना है। ए भैया भूत कब से ट्यूशन पढ़ने लग गए? ओए मुन्ना चुप रहा है, भूत बोला तो तेरा दांत तोड़ दूंगा। ए भैया मैं तुम्हारा टीचर हूँ। आज कमला कई सालों बाद ट्यूशन में आई है पढ़ने के लिए, जब बहुत छोटी थी ना तब पढ़ी थी। अरे बाप रे ये क्या भाई, ये तो कमला है ना, ये कमला ही है। अरे यार ये तो कमला है। मैं सबसे आगे बैठूंगी, मैं अपनी क्लास में सबसे आगे बैठती थी, बच्चे पीछे खसक ले मरना नहीं है तो। अरे कमला आंटी मैं जा रहा हूँ पीछे, मुझे मत मारना आंटी, मैं पीछे चले जाऊंगा। हाँ तो जल्दी निकल चश्मी, नहीं तो मार खाएगा, भाग यहाँ से। अरे मैं अरे क्या बात है नविदा, तुम मेरे बगल में आ गए। सबसे आगे मैं बैठूंगी ताकि मुझे सबसे ज्यादा मिलेगी नॉलेज। ए दोस्तों ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया। यहाँ पे तो मैं आज एक भूत को यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। ओए मुन्ना देखते हैं। ए भैया सारे स्टूडेंट यहाँ पे लग चुके हैं। ये हुई ना बात। ओए मुन्ना देखते हैं। अरे बाप रे, ए भैया मैं मुन्ना नहीं, मैं हूँ अब टीचर, कॉल मी टीचर। ओए ठीक है। ए दोस्त यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाने वाले अटेंडर्स। ए फाइनली गाइस सारे स्टूडेंट नहीं है, छुट्टी कर लिए बहुत बच्चों ने यहाँ पे। भैया माइकल कहाँ गया? अरे ये क्या नोबिता, तुम हमारी क्लास के सबसे होनहार बच्चे हो और सबसे पीछे की हो गए। ए तुम्हें आगे बैठना चाहिए था। अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, अरे कमला आंटी को मैंने जानबूझ के आगे बैठने दिया है, इसीलिए कुछ कुछ कोई शिकायत नहीं है। ओए मुन्ना कोई बात तो कुछ और है। ए चलो ठीक है गाइस, अब हम लोग अटेंडेंस लेंगे यहाँ पे। ए कमला आई हूँ। ओए यहाँ पर है, यहाँ पे सेंचर आया हूँ। ओके नोबिता, ग्रैनी और साथ में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, झपलू टपलू और हल्क आया है, हल्क तो दूर से दिख रहा है, पूछने की क्या जरूरत है। अरे यार वो बात तो ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट एपिसेंट भी है, एपिसेंट अरे मतलब एब्सेंट है। सारे स्टूडेंट गाइस यार यहाँ पे आ चुके हैं। ओके गाइस मैंने सबके अटेंडेंस लगा दिए, वैसे मैंने आज अनाउंसमेंट नहीं करी क्योंकि बारिश की वजह से। ये दोस्तों यार यहाँ पे मैंने सारे स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा दिया, अब मुझे ये लोग तुम बताओ कि तुम लोगों को क्या आता है। अरे बेड़ू मुझे तो आता है चोरी करने। मुझे लोगों को मारने आता है। अरे बाप रे ये क्या, ये काम नहीं करना यहाँ पे ट्यूशन में, मैं आज तुम लोगों को कुछ अच्छा सिखाने वाला हूँ। वैसे आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ओए सर जी क्या सिखाओगे, ऐसा क्या है यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। अरे सर मुझे भी सीखना है बर्गर कैसे बनाते हैं, बताओगे क्या? ये क्या, मैं हल को बर्गर बनाना सीखना है, यहाँ क्या कुकिंग क्लास चल रही है और छपलो टपलो। तुम्हारा आज क्लास का पहला दिन है तो यहाँ पे गाइस सर मुझे लगता है कि सारे लोग पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से एक यूनिक चीज आज तुम लोगों को सिखाऊंगा। ओए सर जी क्या, आज मैं सिखाऊंगा कि ओके गाइस सर आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ टॉप 5 एनिमल्स नेम, और साथ में यहाँ पे मैं आप लोगों को सुनाऊं बताऊंगा फ्रूट्स नेम, और साथ में कुछ अपन याद करेंगे वेजिटेबल्स नेम। ओके गाइस आप लोग रेडी हो जाओ यहाँ पे। अरे सर हमें तो ये सब आते हैं वैसे, सेब केला अनार।
ए, आते तो है लेकिन तुम्हें एक फॉर्म में नहीं आता है, कैसे होता है मैं सिखाऊंगा तुम्हें। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ वेजिटेबल्स ने, वो भी इंग्लिश में। तो सबसे पहला वेजिटेबल होता है, किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा? चलो छोड़ो यार, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता। ए, सबसे पहले बोलते यहाँ पे लेडी फिंगर। लेडी फिंगर? हाँ मेरे लेडी फिंगर है। ए, तुम्हारी लेडी फिंगर नहीं, लेडी फिंगर भिंडी को बोलते इंग्लिश में। पहला अपन ने लेडी फिंगर बोला, और दूसरा हम लोग बोलेंगे, अरे हल्को पता है, दूसरा है कद्दू। अरे सही कहा, पंपकिन, उसे इंग्लिश में पंपकिन बोलते हैं। ओके गाइस, अभी हम यहाँ पे हमने दो बता दिया है, लेडी फिंगर पंपकिन, और साथ में पीस भी होता है जिसको मटर बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में पीस, और अपन ने तीन बता दिया। और फोर्थ नंबर का यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वेजिटेबल्स नेम, जिसका नेम है, अरे हल्को पता है। अरे यार हल्को तो सारी खाने की चीज याद ही रहती है, पता नहीं क्या क्या। ओके, यहाँ पे एक होता है पोटैटो जिसको आलू बोलते हैं, और टोमेटो जिसको टमाटर बोलते हैं, और कैबेज जिसको गोभी बोलते हैं, और कैरेट जिसको गाजर बोलते हैं, और यहाँ पे एक और होता है अपना रेडिश जिसको मूली बोलते हैं, और होता है कैप्सिकम जिसको बोलते हैं शिमला मिर्च, और कौन हो गया जिसको भुट्टा, और पम्पकिन तो बताया मैंने कद्दू, और साथ में बीट रूट जिसको सलगम बोलते हैं, और यहाँ पे आई थिंक मैंने बहुत सारे तुम बता दिए, एक मशरूम भी होता है। अब तुम सारे इन सारे वेजिटेबल्स के नेम जल्दी से याद करो, और मैं तुम लोगों से भी कुछ देर में सुनने वाला हूँ। अरे सर वेजिटेबल्स तो बता दिए, उसके नेम तो बता दो, फ्रूट्स नेम। ठीक है ठीक है, मैं तुम लोगों फ्रूट्स नेम भी बता ही देता हूँ। तो फ्रूट्स नेम में सबसे पहला होता है एप्पल, बनाना, एप्पल बोलते हैं सेब को, और बनाना बोलते हैं केला को, और यहाँ पे मैंने बताया क्या, एप्पल बनाना। अरे सर आपको तो खुद याद नहीं, तो हमें क्या बताओगे? ए, मुझे याद है, मेरे को फालतू नहीं बोलने का। समझ गए ना, अभी पनिशमेंट मिल जाएगी। अरे सर ठीक है ठीक है। ओके, यहाँ पे जितने मैंने तुम्हें दिया है ना रिवीजन करो, और मैं बताता हूँ, मैंगो होता है, और साथ में कोकोनट, वाटरमेलन, और यहाँ पे पाइनएप्पल, बनाना, पीच, और साथ में एवोकाडो। अरे वो एवोकाडो नहीं, एवोकाडो, अरे एवोकाडो एवोकाडो तो बोल रहा हूँ, और यहाँ पे चेरी, और यहाँ पे तुम्हारा पपाया, ग्रेप्स, पियर, स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे इतने सारे मैंने तुम लोगों को बता दिए। अब एक काम करो, तुम सारे के सारे इनको याद करो, मैं तुम लोगों को अभी पूछने वाला हूँ, 5-5 में पूछूंगा, जिसको भी याद है वो तो बच जाएगा, और जिसने नहीं सुना है भाई साहब उसको मैं दूंगा तगड़ी वाली पनिशमेंट। अरे यार टीचर जी, मुझे तो पूरे के पूरे याद है, क्योंकि मैंने पहले से याद रख रखे हैं। ओके, यहाँ पे जिसको भी याद है वो तो बच जाएगा। चलो मैं तुम लोगों से सुनने वाला हूँ, जल्दी से रिवीजन कर लो, क्योंकि इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है गाइस। किस किस को लगता है ये टफ है? अगर आप लोगों को भी याद है तो कमेंट में जल्दी से बताओ यार, टॉप 5 या 5 फ्रूट्स नेम जो कि आपको अच्छे लगते हैं, कमेंट में देखते हैं गाइस किस किस को पता और कमला से ज़्यादा किस को होता है। चलो कमला तुम सुनाओगी। मुझे याद है, हमारे गाँव में मिलता था आम। ए, आम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आम को बोलेंगे बैंगो। ए, बैंगो नहीं, बैंगो नहीं। कमला तुम फेल होती हो। ए सिंचन, यहाँ पे तुम्हें याद हो गया क्या? अरे यार मुझे तो पूरा याद है, मेरे से जितना मर्जी पूछना पूछ लो। ए ठीक है, तुम बताओ, ऐसा करो मैं तुम भी, चलो छोड़ो यार, यहाँ पे मुझे लगता है कि तुम्हें याद ही होगा। ओके यार, अरे यार ये कैसी बात है। ओके यहाँ पे यार तुम ग्रहणी तुम सुनाओ, तुम्हें याद है क्या? अरे अरे ग्रहणी को तो पूरा याद रहता है, मैं बताऊंगी। एप्पल जिसको बोलते हिंदी में केले को। ए ये क्या, एप्पल को केला बोलेंगे? तो केले को क्या बोलेंगे? मेला। विमल खाने का नाम तो पूरा पता है, विमल गुटके का, पूरा खा खा के मुंह लाल कर रखा है। ए नोबिता तुम बताओ एप्पल को क्या बोलते हैं? अरे सर एप्पल को तो सेब बोलते हैं। ओके यहाँ पे अब टोनी स्टार, तुम्हें याद है क्या? अरे सर सर अभी नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं याद करूंगा फिर सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, किस किस को भी याद हो गया है? अरे ऐसा करो यार मोटू तुम सुनाओ, तुम्हें याद है क्या? अरे बाबा अब मेरे को तो याद नहीं है, मैं खाता तो खूब हूँ लेकिन मैंने खाया केला सेब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते याद नहीं आ रहा। ए याद करो याद करो, फोकस करो। अरे यार ये दोनों लगता है अभी नर्वस हो रहे कि होपलेस हो रहे। ए तुम्हें याद है क्या, छपलू टपलो कोई तो सुना दो। अरे बेड़ो अभी अपन को याद नहीं, अभी सुना, थोड़ी देर में सुनाएगा। ए दोस्त यहाँ पे भैया तुम्हें याद है क्या? ओए मुन्ना मुझे याद है, मैं आप सुनाओ क्या? मैं भैया बताओ यहाँ पे फ्रूट्स नहीं बताना। ओए सबसे पहले पोटैटो, फिर मुन्ना टमाटो,
हे भैया ये फ्रूट्स नेम सुना रहे हो कि वेजिटेबल्स नेम सुना रहे हो? ओए मुन्ना पोटैटो मतलब तो हो गया ना आम हो गया। अरे भैया पोटैटो मतलब आम कैसे होगा? आजा आम नहीं होगा क्या? ए भैया तुम्हें भी याद नहीं है, एक काम करो स्पाइडरमैन तुम बताओ टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे यार टमाटर को इंग्लिश में बोलते हैं फटाफट। ये क्या फटाफट? ये तो मुझे इसको भी लगता याद नहीं है। अरे हल्क तुम्हें याद है क्या? अरे हल्क को तो सब कुछ याद है, जितना मर्जी पूछना है पूछ लो। एप्पल को सेब बोलते हैं, मैंगो को आम बोलते हैं, क्रेप्स को अंगूर बोलते हैं। अरे यार ये क्या रैप ही कर दोगे, क्या बात है। यहाँ पे गाइस हल्क को तो पूरा याद है, खाने में सबसे ज्यादा भुक्कड़ ही है और इसको याद ही है। गाइस यार यहाँ पे बात बाकी लोग तुम ऐसा करो, यहाँ पे जल्दी से रिविजन करो, फटाफट से याद करो। मैं तुम लोगों से सुनूंगा कुछ देर के बाद, मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से याद कर लो। फटाफट से सारे के सारे अपनी नोटबुक निकालो और सारे के सारे याद करना चालू कर दो। ओके कुछ पूछना है क्या सर्वियन? अरे सर्वियन नहीं, अरे कमला। अरे यार कहाँ जा रहे हो टीचर? अरे यार मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, मेरा गला सूख गया, थोड़ा पानी वानी पी गया था और रेस्ट करके, गर्मी भी काफी ज्यादा यार, गला काफी ज्यादा सूख गया। चलो यार यहाँ पे अभी चलेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हाफ आवर के बाद हम फिर आएंगे अपनी क्लास में। आखिरकार यहाँ पे इतने सारे लोग मुझे मिल गए, अब मैं बनूंगी इस ट्यूशन की प्रिंसिपल। मेरा सपना था कि मैं भी किसी स्कूल की प्रिंसिपल बनूं और आज वो सपना मैं पूरा करूंगी। अब मैं इस प्रिंसिपल हूँ इस ट्यूशन की। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो, तुम तो नहीं बन सकती हो, कमला नीचे उतर जाओ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अब मैं लूंगी तुम लोगों से टेस्ट और इस टेस्ट का नाम है मौत का टेस्ट। अरे यार ये कैसा टेस्ट है, इसके बारे में तो होगी टीचर ने मैं कुछ पढ़ाई नहीं। इसके बारे में तो तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ा सकता मेरे अलावा। अब तुम लोग तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए, मजा ही आएगा। जो भी इस टेस्ट में फेल होगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब मजा आएगा ना, असली ट्यूशन क्लास तो अब चालू होगी, कमला ट्यूशन क्लासेस। मजा आ गया। आर्योगी भाई अभी आते होंगे और तुम्हें भगा देंगे। वो जब तक उठेगा मैं अपना काम कर चुकी होंगी। चलो तुम लोग रेडी हो जाओ क्लास के लिए, मैं तुम लोगों से यहाँ पे लूंगी टेस्ट। सबसे पहले किससे टेस्ट लूं? सिंचन चलो तैयार हो जाओ। ये बताओ अगर मैंने एक लड़के को मारा और एक लड़की को तो कितने लोग मरे? अरे दो लोग मरे क्योंकि एक लड़का हो गया एक लड़की, दोनों को बुला के दो हो गए। अरे बिल्कुल मैंने सही जवाब दिया कि नहीं दिया? क्या बात है बच्चे, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा वो तुम बच गए। टोनी स्टार तुम बताओ अब, मैंने अगर दो लड़के को मारा और एक लड़की को तो कितने में? आर्यर मैं बता दूं क्या? मुझे पता है। नहीं नहीं तुम रहने दो, टोनी स्टार जल्दी बताओ। अरे मैं बता रहा हूँ, दो लड़के को तीन तो फोर होगा। क्या बोला फोर? अरे नहीं नहीं थ्री होगा थ्री। बच गए तुम भी, ग्रैनी तुम बताओ अगर मैंने एक लड़के को मारा और तीन लड़की को तो कितने लोग मरे? अरे मुझे तो नहीं पता कितने लोग मरे, आई थिंक अब फाइव लोग मर गए। ग्रैनी तुमने तो बहुत ही बकवास आंसर दिया, अब तो तुम मरोगी। नाबिता अब तुमसे मैं पूछूं, उससे पहले इसका गेम बजा दे तो ये ले। इसका तो गेम बच गया, नबिता अब तुम बताओ उसका आंसर क्या होगा? अरे उसका आंसर तो फोर होगा। अरे कमला आंटी मुझे जाने दीजिए, उसका आंसर फोर होगा। बहुत चलाक, वेरी चलाक, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। वैसे तुम लोगों को बताऊं कि मेरी मैथ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कभी भी किसी ने मेरे को उसके लिए शाबाशी नहीं दी। और मैं हमेशा पीटती थी टीचरों से क्योंकि मेरे और सब्जेक्ट में वीक थी ना, जिसकी वजह से। और आज वो लोग जो मैथ में वीक होंगे उनको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे रेडी हो जाओ तुम लोग मरने के लिए। जैक जी मुझे ये बताइए कि जीरो बार मैंने किसी को नहीं मारा
तो कितने लोग मरे? ओए मैडम जी, आपने किसी को नहीं मारा तो कोई भी नहीं मरा, मतलब कि आंसर होगा जीरो। या क्या बात है, आपने तो बहुत ही टफ का आंसर दे दिया। ये हुई ने बात जैक जी, बहुत ही बढ़िया। मुझे आपको पता था कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अरे बढ़िया, ये क्या है, इतना बहुत ही ज्यादा इजी है तो। ए, अभी अपुन को भी ऐसा देने का ना मैडम। कॉकरोचेस तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन है। अगर मैंने 1000 लोगों को मारा और फिर 1,00,000 लोगों को मारा तो कितना होगा, जल्दी बताओ तुम दोनों सोच के। अरे बेड़िया, इतने लाख लोग मरेंगे क्या? अरे कैसी कॉमेडी कर रही है कमला आंटी, अभी ढंग से क्वेश्चन पूछने का। अभी अपुन को कुछ नहीं बुझा रहे बाबा, ढंग से पूछेगा तो बताया करो। मैं टीचर से मस्ती, मैंने जो बोला वो तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? मतलब कि तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, चल निकल यहाँ से। तू बता कितना होगा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। अरे बाबा रे बाबा, मैडम आंसर होगा 1,01,000। बहुत बढ़िया, 1,01,000। हाँ बिल्कुल सही कहा, 1,01,000 आंसर होगा। चलो कब रेडी हो जाओ, तुम्हें बताना है कि अगर 10 लोगों ने 15 सेब खाए तो 1 लोगों ने कितने ग्राम सेब खाया। बताओ जल्दी सोच के। अरे यार मेरे सभी क्वेश्चन भी चल रहा है, क्या बात है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। ऐसे ये बात है, चल ये बता, अगर ये ले तेरा मैं बॉडी में घुसा दूँ तो कितना खून निकलेगा। मजे आ गया, मेरे सामने हीरो बनेगा, चल निकल यहाँ से। हाँ बड़ा, तूने बताया क्या आंसर क्या है? अरे होल को तो बता रही, होल तो इतनी जल्दी ग्राम में कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तुम मरने के लिए फिर रेडी हो जा, बड़े हिलने का नहीं, बिल्कुल भी। तूने बोला कि तुझे नहीं पता तो तू मरने के लिए रेडी। अरे बाप रे बाप, मेरे को लग गया। अरे ये क्या, ये तो जैक मर गया। जैक जी, ये क्या हो गया? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मोटे ये ले, तेरे चक्कर से गलती से जैक के ऊपर मेरा हथियार चल गया। ये ले, अगर तू नहीं हटा तो ये बच गए होते। ये ले, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये ले। ओरे बेटे तो बहुत बढ़िया, ये ले। निकल जल्दी, मोटे भी तू जाएगा, मैं भी गिर गई पानी में, तुझे बच के पाल पाल। मुझे, अरे मैडम जी मुझे उठा दीजिए मैडम जी। रुको, मैं अभी आपको अपने जादू से ठीक कर देती हूँ। ठीक हो ना? अरे मैडम जी मैं ठीक हो गया। तो चलो चलती हूँ, अब छुट्टी का टाइम हो चुका है, मेरी क्लास इसी के साथ ओवर होती है और आप लोग अब घर जा सकते हो। हे दोस्तों, ये क्या हुआ यार, ये पानी में मैंने क्या पी लिया था, झुकी मैं इतनी देर से बेहोश हो गया था, अचानक से मेरी आँख खुली। ये पक्का भैया या सिंचन का काम है ताकि मैं बेहोश पड़े रहूं। इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या, अरे ये क्या ट्यूशन में ये क्या हो गया? अरे यार यार, यहाँ पे तो कमला आंटी ने तबाही मचा दी और उन लोगों ने उन्होंने सबको मार डाला है। अरे सिंचन, यहाँ पे काम करो गाइस, यहाँ पे सारे लोग मरे नहीं है, यहाँ पे जितने भी जिंदा लोग हैं हमें 40 हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। ए ये क्या हुआ यार? भैया, ओए मुन्ना सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि कमला ऐसे करेगी। ए भैया तुम्हें पता नहीं क्या? ओए गलती तो इन लोगों की, इन लोगों ने गुस्सा दिला लिया इसलिए उसने मार दिया सबको। ए भैया अभी तुम कमला की गलती नहीं दे रहे हो, एक काम करो सबको हॉस्पिटल में लेके चलो। ए मुझे कमला पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। ए नविता बाहर निकलो पानी से। बेचारा नविता पानी में गिर गया। भैया सबको निकालो और हॉस्पिटल में ले चलो। यार भैया क्लास को तो तुमने भैया पूरा का पूरा खूंखार क्लास बना दिया। ओके गाइस, आज की यार छुट्टी होती है, आप लोग भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी हमें जाना है हॉस्पिटल। बाय बाय।